हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले अपने पिंपल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, वीडियो लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। तो आपने ऐसे तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में जिसमें हमने सुना होगा कि कोलगेट लगाने से आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे, राइट? बहुत वीडियो देखे होंगे आपने, मैंने भी बहुत देखे थे, ट्राई भी किया था, पर अब मुझे पता चला है बिल्कुल सही नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको अपनी जो सजेशन है वो बता रही हूँ। कोलगेट में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके दांतों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। कोलगेट दांतों के लिए बहुत अच्छा है, मैं बना नहीं कर रही, पर आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए उतना ही बुरा है। स्किन या हेयर पे आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें इसको, ये आपकी स्किन और हेयर को बहुत बुरा बना देगा। एंड पिंपल्स वगैरह पे तो और लगाओगे, वैसे पिंपल होते हैं तो बहुत सेंसिटिव सी हो जाती है स्किन, और अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन और बेकार होने लगेगी और पिंपल्स होने लगेंगे एंड बहुत रफ स्किन हो जाएगी, तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है। मैं बता दूँ आपको यूज़ क्या करना है और कुछ टिप्स भी बताऊँगी, वो भी फॉलो करना है। आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। आप बोलोगे कोकोनट लगाने से तो और स्किन ऑयली हो जाएगी और ऑयल से तो पिंपल्स होते हैं, ये वो, मुझे पता है आप यही सोचोगे, पर ऐसा नहीं होगा। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप किसी भी वेबसाइट या कुछ में भी आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि कोकोनट में लॉरिक एसिड होता है और ये वाला जो एसिड होता है आपके पिंपल को रिड्यूस करने में मदद करता है, और आगे अगर आपको पिंपल होने वाले हैं तो उसको नहीं होने देता, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है? तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है मैं ये भी बता दूँ। आपको रात को सोते टाइम अपने चेहरे को वॉश करके, अच्छे से साफ करके, पूरा मेकअप वेकअप रिमूव करने के बाद आपको कोकोनट ऑयल को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है और सो जाना है। आप देखोगे सुबह उठोगे तो पूरा कोकोनट ऑयल आपकी स्किन ने अब्जॉर्ब कर लिया और आप 3-4 दिन में इसका रिजल्ट देखोगे एंड ये काफ़ी अच्छा है, तो आप 3-4 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। फिर इसके साथ साथ मैंने पिछले वीडियो में आपको पिंपल स्किन के लिए रूटीन बताया था, तो उसकी मैं लिंक दे दूँगी, उसको भी फॉलो करूँगी ना तो डबल स्पीड से आपके पिंपल्स कम होंगे एक्चुअली। एंड द थिंग इज, मैं कुछ टिप्स भी बताती हूँ, आप अगर वो टिप्स को भी फॉलो करोगे तो और जल्दी पिंपल ख़त्म होंगे। अगर आपको पिंपल हो गए हैं तो मेकअप को अवॉइड कर दो, ठीक है? मेकअप को आपको फुली अवॉइड करना है, बिल्कुल भी मेकअप वगैरह आप मत करो कि मेकअप से और ज़्यादा आपकी स्किन यू नो रफ़ होती है, पिंपल्स बढ़ते हैं ये वो, तो आप मेकअप को बिल्कुल मना कर दो, रॉन्ग, मेकअप करना गलत है। दूसरी चीज़, अगर आपको पिंपल हो गए तो हम लोग क्या करते हैं, फेस वॉश जब भी करते हैं हम, पिंपल अगर हम लोग को हो गए हैं तो हम फेस वॉश जहाँ हमें पिंपल हम वहीं रगड़ते जाते हैं, तो ये गलत है। हमें ऐसा लगता है कि फेस वॉश अंदर जाएगा तो वो पिंपल को ठीक करेगा, पर हम गलत करते हैं क्योंकि हमारे वो जो जोर से हम रगड़ते हैं उससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर जो पिंपल के अंदर जो लिक्विड है वो फैलता है स्किन में, और उसके फैलने के कारण आपकी स्किन जो है वो और जगह पे आपको पिंपल होने लगती है क्योंकि लिक्विड अंदर ही अंदर फैल गया, और आप देखोगे आपको दूसरी जगह पर पिंपल होने लगेंगे। फेस वॉश करने का आपको राइट वे पता होना चाहिए, ठीक है? उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसमें आप देख सकते हो, मैंने उसमें फेस वॉश के बारे में सब कुछ बताया है, टिप्स ट्रिक्स वो आप देख लेना। तो आपको फेस वॉश अच्छे से करना चाहिए एंड रगड़ रगड़ के नहीं करना चाहिए, बहुत जेंटली करना चाहिए। आपकी जो स्किन है एकदम रगड़ो मत उसको, ठीक है? आप बहुत धीरे धीरे जेंटली करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड चीज़, आपको बिल्कुल भी ये बीबी क्रीम सीसी क्रीम नहीं यूज़ करना, तो सनस्क्रीन भी जो यूज़ कर रहे हो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन सनस्क्रीन भी जो यूज़ कर रहे हो वो कम केमिकल वाली हो, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड कोकोनट ऑयल कौन सा बोलोगे, तो मैंने जो यूज़ किया था वो था डाबर का, ये अनमोल वाला जो कोकोनट ऑयल है, आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये वाला यूज़ किया, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, खादी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आप अपने फेस के लिए DIY नीम पैक, मैंने इसका वीडियो भी डाल चुकी, लिंक दे दूँगी, वो आप ट्राई कर सकते हैं, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक्चुअली। मैं उसको लगाया तो हफ्ते में मैं उसको 2 बार लगाती थी एंड 2-3 हफ्ते में मेरे पिंपल बिल्कुल गायब, स्पॉट्स के साथ ख़त्म, और ये मैंने रूटीन भी फॉलो की, ऑयल भी लगाया और वो पैक भी लगाया, बिल्कुल बिल्कुल जो पिंपल्स थे ख़त्म हो चुके थे। तो आप इनसे टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके पिंपल ख़त्म हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना क्योंकि सबको इसकी ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।